Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon, and I end up alone. I'm not certain. Yeah, the girls impolite in the club every night. That's how it goes when you Hollywood perfect. Hollywood perfect. What is up, guys? Welcome back. It's your boy Shobhi Todigba back again with a new crazy video. सो गाइस, तुम लोग मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हो और उसमें से एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि हु इज़ माय इंस्पिरेशन, हु इज़ माय आइडल और किसको मैं फॉलो करता हूँ, कहाँ से मेरे को इतनी मोटिवेशन मिलती है वीडियोस बनाने के लिए और इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से मिलता है। इसमें म्यूज़िक का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ एंड आई मोस्टली लिसन टू ट्रैविस स्कॉट एंड कान्ये वेस्ट। सो गाइस, ट्रैविस और कान्ये ये दोनों मेरे फेवरेट आर्टिस्ट है। ट्रैविस स्कॉट का म्यूज़िक बहुत ही मस्त है और गाइस उसका जो एस्ट्रो वर्ल्ड एल्बम है वो तो बहुत ही मस्त है। अगर तुम लोगों ने अभी तक ट्रैविस स्कॉट का गाना नहीं सुना है तो गाइस आई रिकमेंड यू गो एंड लिसन टू ट्रैविस स्कॉट म्यूजिक, बिकॉज उसका म्यूजिक बहुत ही अच्छा है। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सिंगर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ। उसके 5 सॉन्ग तो मेरे सबसे फेवरेट है। वन इज़ बटरफ्लाई इफेक्ट्स, सेकेंड इज़ गूज बम्स, थर्ड इज़ थ्रू द लेट नाइट्स, फोर्थ इज़ हाइस्ट इन द रूम एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट इज द स्कॉट्स, जो कि उसने किड कड़ी के साथ बनाया, जो ट्रैविस स्कॉट का इंस्पिरेशन है। तो ही कोलैबोरेटेड विद हिज आइडल। ही इज डेटिंग काइली जेनर राइट नाउ। काइली जेनर इज द यंगेस्ट बिलियनर ऑफ द वर्ल्ड एंड ट्रैविस स्कॉट इज द नंबर वन म्यूजिशियन राइट नाउ इन द वर्ल्ड। कान्ये वेस्ट को तो तुम लोग मोस्टली जानते होंगे, बिकॉज जो यीजी जूता है वो कान्ये वेस्ट का है। तो मोस्ट ऑफ यू गाइज नो अबाउट द यीजी शूज, सो दैट्स वाई कान्ये इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पीपल, बिकॉज उसका जूता ही मेरे को बहुत अच्छा लगता है यीजी एंड हिज म्यूजिक इज जस्ट अमेजिंग। इसमें ट्रैविस स्कॉट का जॉर्डन 1 जूता मैंने इंटरनेट पर तो बहुत देखा, बट उसका ऑथेंटिक पेयर मैंने आज तक कभी नहीं देखा। मैंने बहुत सारे उसके फेक देखा हूँ लेकिन गाइज उसमें वैसी बात नहीं है। तो आई रियली वॉन्टेड टू सी गाइज वो दिखता कैसा एंड हाउ डज इट फील इन रियल लाइफ। तो गाइज मेरे एक दोस्त ने रिकमेंड किया मुझे कि यहाँ पे बैंड्रा में एक स्टोर है मेन स्ट्रीट मार्केट प्लेस। तो गाइज यहाँ पे उन लोगों के पास वो ट्रैविस स्कॉट का एयर जॉर्डन 1 जूता है। बहुत सारे फेमस बास्केटबॉल प्लेयर्स के भी शूज है एंड बहुत सारे रैपर्स और म्यूजिशियन के भी शूज है। तो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। सो गाइज दिस इज़ द मेन स्ट्रीट स्टोर और यहाँ पे मेरे साथ हिमांशु एंड ही इज़ द स्टोर मैनेजर ओवर हियर। सो हिमांशु, टेल अस समथिंग अबाउट द स्टोर। ओके, सो बेसिकली हम लोग के पास सब हाइप आइटम्स रहते हैं। हम लोग के पास लिमिटेड एडिशन वाले शूज है जो आप पीछे वॉल पे देख सकते हो, एज यू गाइज कैन सी। हम लोग के पास लिमिटेड एडिशन के कपड़े भी है, ये सब भी है। ओके, तो इसमें भी काफ़ी सारे अलग अलग ब्रांड्स है, ASSC, Essentials, Drew, पीछे आप देख सकते हो वहाँ पे सुप्रीम जैकेट, सुप्रीम और LV का कोलैब का जैकेट है। तो गाइस यहाँ पे बहुत सारे रेयर हाइप प्रोडक्ट्स है जिसके बारे में तुम लोगों को थोड़ा डिटेल में बताऊंगा मैं। इसी से स्नीकर वॉल और यहाँ पे बहुत सारे स्नीकर्स है जो कि ऑलमोस्ट अप टू 20,000 से स्टार्ट होते हैं और गाइस अप टू 4 लाख तक जाते हैं। तो गाइस देखते हैं विच वन इज दैट। तुम लोगों को ये शूज़ के बारे में थोड़ा डिटेल और उसके प्राइसेस के बारे में बताता हूँ। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा ऐसे बहुत सारे स्नीकर्स मिलते हैं बाहर 3,000, 4,000, 5,000 रुपये में, बट गाइज वो फेक होते हैं। ये सारे शूज़ ओरिजिनल हैं एंड ऑथेंटिक है। जैसे कि ये जूता गाइज, दिस इज़ द ट्रैविस स्कॉट एयर जॉर्डन 1। ये कितने का है? ये 1,80,000। दिस शू गोज अप टू 1,80,000 का जूता है गाइज ये, और ये ओरिजिनल ट्रैविस स्कॉट का जूता है। ये ट्रैविस स्कॉट और एयर जॉर्डन 1 का कोलैब है। बट गाइज ऐसे बहुत सारे जूते 4,000-5,000 में मिलते हैं बाहर, बट दिस इज़ दी ओरिजिनल वन। इसका प्राइस है 1,80,000 रुपीज़। तो गाइज यहाँ सारे ऑथेंटिक है और यहाँ की सारी शूज़ की प्राइस रेंज ऑलमोस्ट 1 लाख तक जाती है। एंड दीज आर दी मर्चेंट्स और फेमस रैपर्स एंड फैशन डिज़ाइनर्स। सो बेसिकली ये ड्रू जो है वो जस्टिन बीबर का ब्रांड है, जस्टिन बीबर। फिर एसेंशियल्स फियर ऑफ गॉड जो है वो जेरी लोरेंजो का है,
ये नाइकी और जेरी लोरेंजो का अभी जस्ट आया था फियर ऑफ गॉड का। इसका प्राइस कितना है? इसका भी प्राइसिंग है 12,000 के आसपास। तो गाइस 12,000 ये टी शर्ट है, ये जो टी शर्ट है एसेंशियल्स का वो 18,000 है। 18,000 बस। हाँ मुझे जस्टिन बीबर की मर्च कितने की है? टी शर्ट्स 22,000 है। 22,000 गाइस। हुडीज 36,000। 36,000 फॉर दिस हुडी। एसेंशियल्स का जो क्रू नेक है दिस वन स्वेटशर्ट टाइप वो 22,000 का है। ओह माय गॉड। ये जो हुडी है एसेंशियल्स का वो 26,000 का है। 26,000 का है गाइस। फिर बाद में ASSC जो एंटी सोशल सोशल क्लब, वेरी पॉपुलर, ये बहुत पॉपुलर है अपने यहाँ पे इंडिया में बहुत चलते हैं। ये 12,000 के टी शर्ट्स है, 17,000 के हुडीज है। ओह माय गॉड। और पाम एंजल्स जो है वो आपको 25,000 to 35,000 के बीच में मिलेंगे। ट्रैवस स्कॉट का जो है वो आपको 18,000 का टी शर्ट है। फिर हमारे पास और भी काफ़ी सारे चीज़ है जैसे कि सुप्रीम का क्रू नेक ऑफ वाइट, काफ़ी सारे ऑफ वाइट्स है। टेल मी अबाउट दिस LV का कितने का है? सुप्रीम एलवी कोलैबोरेशन है, ये इसका प्राइस ऑलमोस्ट 5 लाख तक के है। तो ऐसी क्या खास बात है कि इसकी 5 लाख रुपीज तक की हुडी का प्राइस जाता है? तो ये जो हुडी है सुप्रीम बेसिकली एक स्ट्रीट वेयर ब्रांड है और LV एक लग्जरी ब्रांड है। yep. तो ये कोलैबोरेशन है दोनों का और इसका जो क्वांटिटी है प्रोडक्शन क्वांटिटी वो बहुत मिनिमम है। बहुत रेयर है गाइस, ये बहुत लोगों के पास नहीं रहता है। आई थिंक पूरे इंडिया में सिर्फ 2 जन के पास है, एक हमारे पास है और एक और कोई तो है। आई डाउट, मतलब आई थिंक, मेरे को एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, लेकिन 2 जन के पास मेरे को सिर्फ मालूम है। तो गाइस ये हुडी खाली इंडिया में 2 ही लोगों के पास है। एंड ये LV का शूज़ गाइज मेरे ख्याल से खाली 1 लाख रुपीज से स्टार्ट होता है और ये हुडी 5 लाख की है। इट्स अमेजिंग गाइज, इट्स माइंड ब्लोइंग। सो गाइज जो मेन चीज़ है जिसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ गाइज, इट इज दिस शू, द ट्रैविस स्कॉट एयर जॉर्डन वंस। बिकॉज ट्रैविस स्कॉट मेरा सबसे फेवरेट रैपर और सबसे म्यूजिशियन है, ही इज़ माई आइडल और वो मेरा इंस्पिरेशन है फॉर एवरीथिंग गाइज। हिज म्यूजिक इज जस्ट अमेजिंग। अगर तुम लोग ट्रैविस स्कॉट को जानते हो या नहीं जानते हो गाइज, हियर इज अ प्रीव्यू ऑफ ट्रैविस स्कॉट, जस्ट लुक एट दिस। ये ट्रैविस स्कॉट का जूता थी एयर जॉर्डन 1 एंड इसका प्राइस ऑलमोस्ट जाता है 1,80,000 तक के गाइस। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट हाइप शूज इन द स्नीकर कल्चर गाइस, ये 1,80,000 का शूज है। ट्रैविस स्कॉट यही जूता पहन के मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में, जैसे तुम लोग ने देखा, बहुत सारे शोज पे परफॉर्म करता है। सो गाइस जो ट्रैविस स्कॉट का फैन है वो जानता है कि गाइस ये जूता कितना स्पेशल है। सो गाइस ऐसे ही ट्रैविस स्कॉट के 3 जूते, दिस इज द एयर जॉर्डन 1 गाइस, दिस वन इज द एयर जॉर्डन 1 लो, एंड दिस वन इज द ट्रैविस स्कॉट जॉर्डन 6। और गाइस ये जूता मेरे को ट्राई करके देखना है बिकॉज दिस लुक्स रियली अमेजिंग। सो ट्राई करके देखना है कि गाइस हाउ डज इट फील। सो कैन आई ट्राई इट? यप, लेट्स गो। So guys, right now I'm wearing the Cactus Jack Air Jordan 6. It feels really amazing. ये जूता पहन के, and it is really comfortable, guys. And it is just an amazing shoe. कैसा दिख रहा है, guys? Comment करके बताओ जूता कैसा लग रहा है मेरे पैर पे। तो guys इसमें एक ऐसा pocket भी है छोटा सी, keep something. Himanshu, बताओ यहाँ पे सबसे expensive shoes कौन सा है? सबसे expensive अपने पास EU exclusive Air Jordan 1 Off White है. This one? Yup. इसका price कितना है? इसका प्राइस 4 लाख है। 4 लाख रुपीस। ओह माय गॉड। इसी क्या खास बात है इसके अंदर? ये एक्चुअली कोलैबोरेशन है ऑफ वाइट और एयर जॉर्डन 1 का। या ओके। और ये लोग का जब ये कोलैब हुआ था तभी सिर्फ 10 शूज थे जो कोलैब हुए थे और ये उसमें से एक है। तो ये खाली दुनिया में खाली 10 है? नहीं नहीं, दुनिया में नहीं, मतलब उन्होंने सिर्फ 10 शूज के साथ कोलैब किया था और ये उसमें से एक शूज है। अच्छा, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रेयरेस्ट and the most expensive sneaker in this store. लोग 4 लाख रुपए जूते के लिए देते? Of course देते हैं। Oh my God guys, 4 लाख, इतने में तो मैं गाड़ी खरीद लूँ। But guys, there are seriously people
who pay 4 lakh rupees for these shoes. इन चीजों का hype है guys एक, और ये चीज मैंने तुम लोगों जैसे बताया guys, these things are status symbol, तो लोग pay करते हैं इसके लिए. And show me the second expensive shoes in this. What is the price of this shoe? ये अभी जा रहा है 2.2 lakhs. 2.2 lakhs, oh my god. और ये भी 2.2 lakhs का है. 2.2 lakh. Guys, you hear it? 2,20,000 rupees. This is just crazy. This shoe. Those are like 1,10,000. 1,10,000. This is a fresh pair, guys. इसका cling wrapper भी नहीं निकला ऊपर से, guys. These are really fresh. 1,20,000 for this one. And what is the price of this shoe? That's 80,000. That's an 80,000 rupee shoe. This one? That's cheap. That's 38,000 only. बहुत सारे Kanye West के भी जूते हैं. Yeezys, as you can see, these are the Yeezy version 3, I think so. 700 V3. What's the price of this shoe? This one is for 70,000. And this one? That's like 60. 60. The zebra ones? Zebras are going like 50 odd. 50,000 for zebras. And guys, this is the main street chain. ये कितने की है? तो वो तो ऐसे ही हम लोगों किसी ने मना के ली थी चेन वो बेचने के लिए नहीं. This is just the store name, Main Street. Come and check it out here, guys. This is amazing. ये store यहाँ पे Bandra में है. And you guys can check it out on Google Maps. The Main Street Marketplace over here. Main Street Marketplace, Pericross Road, Sunbeam Apartment, store number 3. That's right. Do come and visit over here. This is just amazing to see these many shoes in one store. Thank you for showing me your store. Appreciate it, brother. Appreciate it. तो गाइज अगर तुम लोगों को यहाँ पे आना है चेक आउट करना, इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन बाइंग सम ऑफ दीज शूज, यू गाइज कैन चेक इट आउट द मेन स्ट्रीट मार्केट प्लेस विच इज राइट हियर, दिस वन. सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और गाइज तुम लोग मुझे कमेंट में बताओगे तुम लोगों की वीडियो कैसी लगी. एंड इफ यू एंजॉय दिस वीडियो देन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड टेल मी इन द कमेंट्स व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज शूज. तुम लोग ये शूज के बारे में क्या सोचना है, 1 lakh rupees, 2 lakh rupees, 4 lakh rupees shoes ke bare mein kya soch rahe hain, let me know in the comment section below. Guys, this is the end of the video. Till then, goodbye, peace out.